नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार मौर्य वाराणसी उत्तर प्रदेश से। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था वाटर प्रिपरेशन का वीडियो डालने के लिए, तो ये हम आज वाटर प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। और ये हमारा एवर फ्रेश प्रो का प्रोबायोटिक, हमने 200 ग्राम 4000 लीटर पानी हमारे टैंक में 200 ग्राम ये हमने तोड़ लिया है। ये हमने बकेट में रखा हुआ है। और ये हमारा मोलेसेस है, जो कि इसमें से हमने 400 ग्राम ये कटोरी में निकाल लिया है। उसके बाद इसको हम, ये हमारे टैंक का पानी है जिसमें साल्ट वगैरह मिला हुआ है, तो इसका TDS मैं आपको माप के दिखाता हूँ कि इसका TDS अभी कितना है। तो ये हमारा TDS थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, 1440-1500 के आसपास आएगा ये। अभी थोड़ा सा इसमें मैं साल्ट और डालूँगा, क्योंकि मुझे TDS 1800 करना है। मेरे यहाँ TDS थोड़ा डाउन है, मैं 5 किलो नमक लेके आया था तो डाल दिया था, तो अभी TDS मेरा पूरा आया नहीं है, 1460 बता रहा है ये। इसमें अभी थोड़ा सा नमक मैं और ऐड करूँगा। और इसके बाद मैं आपको pH माप के दिखा देता हूँ कि pH का क्या कंडीशन है। इसमें मैंने CaCO3 हमने डाल दिया हुआ है, तो pH मेरा 9 तक लमसम है। और ये अभी pH डाउन होता चला जाएगा आपका, 9 से ऊपर आपको pH नहीं रखना है, 8.5 तक हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें अभी मैं थोड़ा पानी, थोड़ा मेरा टैंक में कम है, मैंने दिखाया था कल, तो अभी पानी भी थोड़ा इसमें जाएगा और, तो इसलिए जो है pH थोड़ा और डाउन चला जाएगा मेरा, 8.5 तक चला जाएगा। तो अभी इसको मैं जो है कि घोल बना लेता हूँ। अभी घोल बनाने के बाद इसको मैं अभी अच्छी तरह से मिलाऊंगा, ठीक है। आप भी अच्छी तरह से इसको पहले मोलेसेस को अच्छी तरह से मिलाइए, ताकि नीचे जमा ना रहे, एकदम पूरा पानी में ठीक तरह से मिल जाए। मिल जाने के बाद आप फिर उसके बाद ही प्रोबायोटिक डालें, और प्रोबायोटिक भी आपको ठीक से मिलाना है। ये देखिए हमारा मिल रहा है धीरे धीरे। और नीचे क्या है, मोलेसेस ये गुड़ का सीरा होता है ना, ये थोड़ा चिपक जाता है नीचे जाके, तो उसको अच्छी तरह से छुड़ा लें, ताकि अच्छी तरह से पानी में घुल जाए। ये हमारा घुल के तैयार हो गया है। अब इसके बाद इसको मैं इसमें प्रोबायोटिक ऐड करूँगा। ये हमारा प्रोबायोटिक है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इसको भी आप जो है बहुत अच्छी तरह से मिलाएं, ये भी नीचे जाके ढोका झोंका जो है कि बैठ जाता है, तो इसको अच्छी तरह से इसको भी मिला लें। मिलाने के बाद इसको आप कम से कम 1 घंटा तो आप रख दीजिए, उसके बाद ही आप टैंक में इसको डालें। देखिए इस तरह से मिला ले ठीक तरह से, और मिलाने के बाद 1 घंटा आपको इसको रखना है। ये हमारा ठीक तरह से मिल गया है। अब इसको हम थोड़ी समय के लिए रख देंगे, 1 घंटे के लिए। और ये बकेट भी हम थोड़ा इसमें धो लेते हैं, बकेट में बहुत सारे बैक्टीरिया लगे होते हैं, तो धो लेते हैं इसको भी। और ये हमारा 1 घंटा पूरा हो गया है, तो इसको मैं अब टैंक में डालने जा रहा हूँ। तो टैंक में डालने से पहले 1 घंटा रखा हुआ था, तो इसको अच्छी तरह से मिला लें आप, नहीं तो प्रोबायोटिक आपका नीचे बैठा रहेगा और लास्ट में एक ही जगह गिर जाएगा। इसको अच्छी तरह से टैंक में फैलाएं, चारों तरफ इसको अच्छी तरह से फैलाएं टैंक में। और टैंक में डालने के बाद ये आपका जो है कि भूरा भूरा कलर हो जाएगा, उसके बाद 1 दिन के बाद 24 घंटे के बाद ये पानी आपका धुंधला कलर का हो जाएगा। और इसको हम जो है कि 4 से 5 दिन वाटर प्रिपरेशन करेंगे, वैसे 7 दिन का होता है, लेकिन क्या आगे का ठंडी का सीज़न है, तो मैं थोड़ा जल्दी इसमें 5 दिन के बाद ही मछली स्टॉक करने वाला हूँ। सीड स्टॉकिंग का जो वीडियो होगा वो भी आपके सामने आएगा, कि किस तरह से इसको सैनिटाइज करके डाला जा रहा है सीड को टैंक में। और ये ठीक तरह से हमने जो है कि डाल दिया है, और इसको बाल्टी को अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि नीचे जो है कि प्रोबायोटिक बैठा हुआ होता है, उसको अच्छी तरह से धो के उसमें डाल दें। और ये एरेशन चल रहा है, 2400 घंटा एरेशन चालू रहेगा, और अच्छी तरह से खुद ही मिल जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, आप दो दो फुट पे एरिएशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वाटर प्रिपरेशन का वीडियो। अगली वीडियो में सीड स्टॉकिंग होगा, उसका वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। नमस्कार।